हेलो भाई, मैं पवार। ये टाटा हैजियर आपके सामने खड़ी हुई है, 20,70,000 रुपए इस कार की कीमत है। अभी मैं आपको ओनर से मिलवाने वाला हूँ, जिन्होंने ये कार 2 महीने पहले ली है और केवल 2,500 किलोमीटर अभी तक चलाई है। 2500 किलोमीटर अभी तक कार चली है, लेकिन फिर भी डीजल पिक रही है। और इतनी बड़ी गाड़ी जबकि उनके इतनी रनिंग नहीं है, वो बाहर नहीं ज़्यादा रहते, इंटरनेशनल रहते हैं। तो आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ करतार भाई से। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका अपने चैनल पर। हेलो, कैसे हो भाई? बस बढ़िया अरुण भाई। अभी भाई श्रीलंका से आए और सीधे फिर अपने पास कार को लेके आ गए और फिर इनको जाना है नेपाल भाई, मंडे को जाना है। तो करतार भाई, क्या काम है ऐसा जो इतना इंटरनेशनल घूमते रहते हो आप? यार मेरा एक्चुअली पावर जनरेशन से रिलेटेड काम है। पावर जनरेशन के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके रिगार्डिंग मुझे अलग अलग कंट्रीज में जाना पड़ता है। अच्छा, तो डिफरेंट कंट्रीज हैं, सार कंट्रीज में बेसिकली ट्रैवल ज़्यादा रहता है मेरा। अच्छा, तो मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ, जैसे अभी आप बाहर ही रहते हो, फिर भी आपने टाटा हैरियर इतनी बड़ी कार ली जबकि रनिंग ही नहीं है आपकी, आप तो प्लेन्स में घूमने वाले आदमी हो, तो कहाँ टाटा हैरियर, ऐसा कैसे? यार एक्चुअली मेरी पसंद तो टाटा नेक्सॉन थी, सही बात बताऊँ। हाँ हाँ, नेक्सॉन मुझे बहुत पसंद थी, डीजल चाहिए थी। मेरे एक फ्रेंड के पास नेक्सॉन थी, चलाई थी, बहुत मज़ा आया चलाने में। बट फिर वही है कि गए शोरूम पे, मतलब मम्मी पापा को थोड़ा दिखा के और बीवी को दिखा के जो है थोड़ी गाड़ी लेनी थी, तो मम्मी को जो है अल्टीमेटली और दोनों को हैरियर पसंद आई। फिर शोरूम में खड़ी देख ली, बड़ी बड़ी सी ऊंची गाड़ी, बड़ी बड़ी सी है। एक्चुअली क्या है, मुझे इतना ज़्यादा मतलब बड़ी गाड़ी चलाने का थोड़ा ये तो है कि मुश्किल है, थोड़ा देखना पड़ता है बहुत। और दिल्ली गुड़गांव का मेरा रनिंग है, ट्रैफिक आपको पता ही है कितना है, तो वहाँ पे जो है बड़ी गाड़ी लेके जाना मतलब बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है। हाँ, बट लेने के बाद कुछ ऐसा पछतावा नहीं हो रहा। अच्छा, अब बजट ले ली, बजट का इशू ना हो तो इसका फायदा यही रहता है, आप शोरूम में चले जाओ, जौन सी पसंद आ जाए वो ले लो। मतलब बजट तो पैसे तो सारे पापा नहीं दिया मुझे। अच्छा नहीं, वो रहता है ना, एक आदमी का फिक्स बजट रहा 10-11, तो फिर तो नेक्सॉन ही लेनी है। अभी देखो कहाँ नेक्सॉन, कहाँ टाटा हैरियर, वो भी एग्जेड वेरिएंट। अच्छा, इतना पैसा डाला ही तो सनरूफ की याद नहीं है कि वो ले लेते हैं पूरा ही एग्जेड प्लस, जिसमें सनरूफ वगैरह सब आ जाएगी। सही बात है अरुण भाई, इसमें क्या है कि सनरूफ का थोड़ा इंडिया का, वो भी नॉर्थ इंडिया का, दिल्ली का जो क्लाइमेट है, जो वेदर है, आपने देखा ही है गर्मी होती है। फिर मैंने एक दो फीडबैक लिए थे, ये रबर जो है हार्ड हो जाएगी। रूफ का मेंटेनेंस यार बहुत है, मेरे पास वैसे ही इतना टाइम की बहुत कमी रहती है, तो सिरदर्दी मुझे चाहिए नहीं। अरे सिरदर्दी नहीं चाहिए, फिर भी टाटा की गाड़ी ले ली, मतलब ये नहीं आया। ये बहुत अच्छा पॉइंट किया आपने, ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने, मैं सोच रहा था ये डिस्कस करूँ मैं इसमें। देखो टाटा एज ए प्रोडक्ट सबको पता है, एक नंबर गाड़ी है, कोई दिक्कत ही नहीं है गाड़ी में कैसी भी, बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है, लेकिन सर्विस हाथ जुड़वा लेगी आपसे। एक्सपीरियंस्ड है? हाँ एक्सपीरियंस है, पहली सर्विस कराई थी, अभी करवाई थी 16 तारीख को। हाँ भाई साहब, वो तो मतलब किसी और दुनिया में ही है उनका, तो बस क्या ही बोलेंगे सर्विस में। फिर मैंने कंप्लेंट वगैरह लॉन्च कर दी पोर्टल पे, उस दिन मेरे पास टाइम नहीं था इतना, तो ज़्यादा मेरी बातचीत हुई नहीं, मुझे फटाफट ये था कि सर्विस करो और गाड़ी दो। उनको बोला भी मैंने जॉब कार्ड में यही चीज़ है, आप जो है कर देना उसको ठीक। बट अल्टीमेटली क्या है, उनका रेस्पॉन्स वो मानेंगे ही नहीं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है इसमें, मानेंगे ही नहीं वो। अच्छा, हाँ क्या प्रॉब्लम फेस हो गया आपको पहली सर्विस में? बहुत बड़ी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम है, जैसे इसका बूट है। हाँ, आप बंद करके देखना। अच्छा, है ना, बूट इसका जो है आराम से बंद ही नहीं होता। अच्छा, ऐसा तो नहीं भारी गाड़ी है इस वजह से थोड़ा? हाँ, इनका कहना है, लेकिन भारी गाड़ी ऐसी क्या भारी हो गई, आप बंद करके देखो, आपको तो आदत है ना। आप बंद करके देखो, आपने बंद कर दी तो हो गई। हाँ अभी हो गई। हाँ, लेकिन मेरे क्या है भाई, देख मैं कहता हूँ यहाँ से बंद है ना। हाँ, यहाँ से बंद कर दी, या फिर मॉल में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं। हाँ, तो हाँ, कोई भी यहाँ से पूरी तो खोल के इधर से मारता नहीं है, तो सब क्या है यहाँ से ऐसे कर देंगे तो ये रह जाती है, तो थोड़ा जान से मार दो। अभी देखो थोड़ा जान लगा के इसको और जोर से मारो इसमें, तब बंद होगी ये। अल्टीमेटली क्या है, ये अब बंद हो गई। गैप तो थोड़ा ज्यादा रहता ही है इनकी ये, हाँ ये इशू तो है, लेकिन ये इतना बड़ा इशू नहीं है कि इसकी वजह से जो है, मैं बस उसके लिए बोल रहा हूँ कि जो गाड़ी की जो सर्विस है ना। हाँ, जो सर्विस पर्सनल है, कस्टमर रिलेशन आजकल उन्होंने बैठा दिया है, वो ठीक है, वो करता है, बट उसके हाथ में कुछ नहीं, कोई बात ही नहीं सुनता उसकी। तो सेल्स का आदमी है वहाँ पे, सेल्स के जो आदमी है उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, बट वही है कि वो तो अल्टीमेटली कर नहीं सकते। तो सर्विसिंग में आपको लगता है इशू इसमें टाटा? वो मुझे पता था ये होने वाला है, इसलिए मुझे इतना ज़्यादा दुख नहीं उस चीज़ का, क्योंकि मैं अवेयर था कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, सर्विस में इशू है, तो मैं उसके लिए मेंटली रेडी था कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर थोड़ी बहुत इधर उधर होगी तो बाहर से करवा लेंगे, इधर से करवा लेंगे, अभी तो
करवा नहीं सकते, वारंटी लाख से जाएगी। अच्छा कार करता भाई, मतलब आपको ये थोड़ा इशू लग रहा था तो वो देख लेते हैं ना, MG Hector प्लस जिसमें अपना पैर से ही ऊपर बंद हो जाती, मतलब खुल जाती और बटन तो अच्छा। Hector की और इसकी कंपैरिजन भी नहीं है भाई, इंजन सेम है मैं मानता हूं, है ना। वो यार MPV गाड़ी है उसकी भाई ड्राइविंग, मुझे गाड़ी चाहिए थी चलाने में जो अच्छी है, मुझे नेक्सॉन बहुत पसंद आई थी चलाने के हिसाब से, और MG का तो मैंने चलाई है वो भी MG, उसका बॉडी रोल और भाई वो गाड़ी मतलब ना तो वो MPV है ना वो SUV है, कोई अलग ही हिसाब है वो। अच्छा है, और बात वो नहीं है कि चाइनीज़ ब्रांड है, चाइनीज़ ही है, देखो मैं सबको जो है ठीक है एक लिमिट के बाद जो है वो भी मैटर करता है, अल्टीमेटली मैन्युफैक्चर तो इंडिया में ही हो रही है वो, जो एम्प्लॉयमेंट तो इंडियंस को ही मिल रहा है वहाँ पे। सही है, लेकिन मतलब एज अ प्रोडक्ट हैरियर बहुत बेटर है उससे। जैसे टाटा हैरियर में एक आध कमी भी है, जैसे आप इंटीरियर देखोगे ना इसका ठीक है, पर आज की सी गाड़ियाँ आ रही हैं उस लेवल का नहीं है, जैसे स्टीरियो की आप बात कर लो, बड़े बड़े स्टीरियो आने लग गए हैं, इसमें क्या 10 इंच का है कहने को ये, लेकिन काफी ऐसे हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है तो अच्छा नहीं लगता। आपकी बात बिल्कुल सही है, इंटीरियर का तो मुझे बेसिकली रिक्वायरमेंट थी म्यूजिक सिस्टम अच्छा हो, है ना। मैंने 2-3 गाड़ियां शॉर्टलिस्ट की थी जिसमें ऑफ कोर्स किया भी थी आपकी, है ना। फिर किया से इतना ऐसा बियर्ड स्माइल क्यों देते हो भाई? और यार आप है ना किया से फेमस हो चुके हैं और किया आपसे फेमस हो चुकी है ना, अल्टीमेटली ये बात है। तो किया भी थी, किया नो डाउट अच्छा प्रोडक्ट है। उसके बाद ये आपका क्रेटा थी, ये थी MG Hector तो कभी मतलब दिमाग में भी नहीं आई, हैरियर थी सबसे नंबर वन क्या है मेरी नेक्सॉन थी सबसे पहले। तो मैं फिर अल्टीमेटली वो दोनों प्रोडक्ट शोरूम में से जाने से पहले निगेट कर दिए बाय डिफरेंट डिफरेंट रीजन। इसमें आपने जैसे पूछा इसका इंटीरियर, इंटीरियर के आप देखेंगे तो देखिए मुझे है ना म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा चाहिए था, और इस सेगमेंट में मेरे ख्याल से इससे अच्छा म्यूजिक सिस्टम नहीं है किसी का। अच्छा। मैंने जितना एक्सपीरियंस किया, आई माइट बी रॉन्ग, है ना, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। दूसरा ड्राइविंग टेरेन और ये सब की मुझे जरूरत नहीं थी, अब वो मजबूरी में नॉइस स्पीकर के साथ ही आना था तो आ गया, वैसा वो वाला हिसाब है। किया क्यों नहीं ली भाई, उसमें तो आपको बोस का सिस्टम मिल जाता। किया में यार एक्चुअली क्या है, फैमिली मेरी चलती है सारी एक साथ इसमें, तो सेफ्टी सबसे बड़ा, इसीलिए मैंने नेक्सॉन भी इसीलिए जो है चूज की थी। थोड़ा क्या है शोबाजी थोड़ी कम हो जाएगी चलेगा, लेकिन जो है नहीं शोबाजी तो है इसमें बहुत ज्यादा हो जाती है ना, ये तो शोबाजी जबरदस्ती आ गई। अब जो है मम्मी को पसंद थी ये वाली तो फिर ये ली उसके बाद, क्योंकि किया और क्रेटा तो ऐसी हो गई है सब पे ही है आजकल तो। हाँ गाड़ी बहुत बढ़िया है लेकिन गाड़ी में आप नहीं बोल सकते। दूसरा यार उस चीज से बहुत दुख हुआ यार, सेम प्रोडक्ट दो जगह जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टील का दे रहे हैं, तो वो मतलब कंपनी की है ना ये, हाँ, जो वर्क एथिक्स को जो है डिफाइन ठीक नहीं करती जो हाँ, उनके है ना, ये तो बिल्कुल सही बात है। हाँ, बाकी तो किया तो बहुत शानदार गाड़ी, इंजन इतना रिफाइंड है सब कुछ है, चला रखी है वो भी मैंने चलाई है। अच्छा ये माइलेज क्या दे रही है अभी, 15.6 इसमें शो करे लेकिन दे रही है क्या ये? हाँ भाई दे रही है इतना, मैं एक्चुअली बहुत ही सेफ ड्राइव वाला हूँ, मतलब बहुत ही मैं 1500 RPM से ज्यादा जाता नहीं यार, 1500-2000 बस। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कंपास है, मैं कंपास का रियल लाइफ एक्सपीरियंस अपना शेयर करें ना, तो उसमें भी सेम इंजन आता है। हाँ बहुत अच्छी गाड़ी। हाँ तो उसमें भी, उसमें क्या माइलेज क्या दिखाती है, 15.6, 7, 8, 9, 15.6 से ऊपर 15.9 तक ही रहती है, ऊपर नहीं जाती नहीं चली जाती, इसका भी यही सीन है क्या भाई? ये जो माइलेज दिखा रही है ना, ये दिल्ली गुड़गांव के ट्रैफिक में है। अच्छा। जब जो है जिस टाइम पे बिल्कुल पीक ट्रैफिक रहता है, लेकिन विदाउट AC है ये, विदाउट AC है। हाँ मैं इसलिए जानबूझ के लेके आया था इसके लिए आपको दिखाने के लिए कि विदाउट AC और विद AC भाई बहुत गर्मी में परेशान हुआ इस चक्कर में। अरे भाई ये है ना, अब देखो इसकी जो ओवरऑल माइलेज है आज तक की वो है ये 13.6। हाँ दिल्ली गुड़गांव के ट्रैफिक में है ना, और मैं बहुत ज्यादा भगाता भी नहीं, और फिर इसमें दूसरे मतलब प्रोग्राम भी चलते हैं, मतलब बैठ के दोस्तों के साथ जो है वो भी मतलब खड़ी रहती है गाड़ी AC पे बहुत बहुत देर तक है ना। तो ओवरऑल सेटिस्फाइड हूं माइलेज के साथ, इतना बड़ा इंजन। हाँ यार माइलेज की मुझे शुरू से इतनी ज्यादा मतलब दिक्कत नहीं थी, बस ये है कि मैंने कभी डीजल गाड़ी नहीं ली थी, इससे पहले मेरे पास जो है पेट्रोल गाड़ी थी और पेट्रोल भी i10 थी मेरे पास, 2008 में ली थी वो। तो भाई एक बात बताओ, जैसे ये कहते हैं पेट्रोल वाले को पेट्रोल ही समझ आता है, मतलब पेट्रोल वाला पेट्रोल, अब तो फिर आप कैसे डीजल पे चले गए जबकि रनिंग भी नहीं है? नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है, जो जब मैंने नेक्सॉन चलाई ना फर्स्ट टाइम डीजल गाड़ी, तो वहाँ मेरा पेट्रोल इंजन से मन उठ गया बिल्कुल, ठीक है। इंडिया में, इंडिया से बाहर मैंने डीजल गाड़ी बहुत चलाई है, टोयोटा हाइलक्स थी मेरे पास, वो प्रेडो रखी जो है 6-8 महीने तक जब मैं मिडिल ईस्ट में था, तो मतलब
डीजल इंजन की है ना जो बात है, वो तो पेट्रोल मतलब रिप्लेस नहीं कर सकता। जो मिड रेंज का जो टॉर्क है ये है, जो मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से। मानता हूं पेट्रोल डीजल में फर्क है भाई, बहुत फर्क है दोनों चीजें। देखो आवाज से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इससे और ज्यादा आवाज आती मुझे तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। अभी भी देख रहे हो आवाज आ रही है इसकी, इतनी नहीं है, मतलब इतनी नहीं है, BS6 है, इतनी नहीं है। और इतनी तो भाई साहब क्या बताऊं आपको, जो कितनी भी महंगी गाड़ी ले लो उसमें भी आती है इतनी आवाज तो आएगी, थोड़ी बहुत कम हो जाएगी जो बहुत महंगी महंगी तो पता भी तो चलना चाहिए ना, एक डीजल गाड़ियां इलेक्ट्रिक होती है उनमें, उनको ले लो बिल्कुल ही ऐसा पता चलता ही नहीं उनमें कुछ ऑन भी है क्या। और तो भी यार बहुत सारे फैक्टर थे उसमें से, ये भी था डीजल बंद होने वाले इंजन दिल्ली में, तो NCR में बंद हो जाएंगे अगले 5-7 साल में, तो हाँ बिल्कुल, तो रखी नहीं तो मैं चलो ले लेते हैं एक डीजल जाते जाते, उसके बाद इलेक्ट्रिक देख लेंगे। लाइफ में थोड़ी ऐसी स्टेज आ जाती है जब आप अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस देते हो, है ना। सनरूफ वगैरह ठीक है, छत से निकल गए, फ्रेंड्स वगैरह निकल जाएंगे, बट वो क्या है, मेरे ख्याल से 1 सितंबर की बात है जिस दिन दिल्ली में बहुत बारिश हुई थी, बहुत पानी भर चुका था उस टाइम पे। तो मैं एज यूजुअल अपने टाइम पे ऑफिस से घर जा रहा था, तो एक रास्ते में द्वारका में इतना पानी भरा हुआ था एक रोड पे कि सब लोग वहां से यू टर्न ले रहे थे, इवन फॉर्च्यूनर वाले ने भी यू टर्न ले ली वहां से। हाँ। मतलब वो तो ड्राइविंग स्टाइल होता है सबका अपना अपना, मैं ये नहीं बोल रहा कि फॉर्च्यूनर उसको क्रॉस नहीं कर पाएगी। हाँ हाँ हाँ। पर जो है मैंने कहा चलो ठीक है, नई गाड़ी अंडर वारंटी है, सारा इंश्योरेंस ले रखा है, गाड़ी को जो है क्रॉस करा के देखते हैं, कुछ हो जाएगा तो ठीक है, क्या परेशानी है। तो मैंने गाड़ी मतलब डाली उसमें पानी में, और मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना पानी होगा, वो पानी मेरे बोनट के ऊपर से निकल गया, वो अच्छा पानी था वो, जबकि बहुत ही ऊंची गाड़ी है तो। हाँ, उसमें पानी का लेवल कम से कम यहाँ तक रहा होगा। तो मतलब जाने के बाद में बहुत मतलब थोड़ा रिग्रेट तो हुआ कि यार करना नहीं चाहिए था, पर ठीक है, वो मैंने एक्सेलेटर छोड़ा नहीं और गाड़ी ने भी जो है दम नहीं छोड़ा अपना। भाई पहले आप वो वीडियो देखिए जो डैश कैम में रिकॉर्ड हुई, तो जैसे अभी आपने क्रॉस कर ली तो उसके बाद इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई? भाई मैंने फिर गाड़ी साइड में लगा के रोकी जस्ट देखने के लिए, तो उसमें मतलब देखा कोई दिक्कत नहीं है, कैसी भी जो है इंजन को तुरंत बोनट खोल के देखा क्योंकि मुझे हाँ। लगा कि भाई इंजन में पानी भर गया होगा, बट क्या है कि इंजन पूरा ड्राई था। हाँ। और बस नीचे जो झाड़ियाँ थी वो पूरे टायरों में फंस चुकी थी, जो टूट टूट के जो आई हुई थी, बहुत गंद पड़ा हुआ था टायरों में बहुत फंस गया था, अदरवाइज कैसा भी इशू नहीं आया भाई बिल्कुल भी जिसे कहते। बाकी भाई अभी तक कोई नेगेटिव लगा हो हैरियर के बारे में आपको? वही सोचना पड़ रहा है भाई को, बहुत सोचना पड़ रहा है, नहीं है मतलब। इसके अलावा क्या है, एक बार म्यूजिक सिस्टम बजा रहा था तो कुछ बज रहा था उसमें, तो मैं चेक करने लग गया कि क्या बज रहा है इसमें गेटों में, तो डस्टबिन वो रखा हुआ है मैंने, वो बज रहा था, वो हटाया तो फिर वो गायब हो गई। बस परफेक्ट है यार एकदम आपके यार, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, सच बात बताऊं गाड़ी जो है बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत ज्यादा बोल सकते हैं, मैंने चलाई नहीं है लेकिन 2000 किलोमीटर इतने कम भी नहीं होते है ना, बहुत ज्यादा भी नहीं होते, पर गाड़ी में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सर्विस बिल्कुल घटिया, जीरो नंबर सर्विस को। अच्छा, अभी मैंने कंप्लेंट कर दी, उनके दिन में 3 बार फोन आते हैं, आ जाते हैं ना, सुनते हैं, फोन आते हैं, उन्होंने कुछ अरेंज किया है। अब ये दिल्ली के किसी सर्विस सेंटर में गाड़ी को जो है आएगा आदमी, उनका पिक करके ले जाएगा, अपने आप जो भी है मतलब चेक करके, जो भी मैंने जॉब कार्ड पे लिखा था वो उसको रेक्टिफाई करके देगा। चलो ये तो सुन लेते हैं ना, ये सुन लेते हैं, अगर आपने लिखित में कंप्लेंट दे दी तो सुन लेंगे, अदरवाइज फोन करते रहो, उनकी कस्टमर कंप्लेंट जो नंबर है वो इतना बिजी रहता है, इतनी कंप्लेंट होगी उनकी, तो लिखित में कहाँ कर सकते, मेल पे उनका। हाँ, कस्टमर ये है विद इन आई थिंक 1 घंटे के अंदर रिस्पांस आ जाएगा। अच्छा, अगर मेल कर दो तो। हाँ, तो टाटा वाले अगर जो भी परेशान हो तो सुन सकते हैं भाई से। हाँ, कर ऐसा सकते नहीं है कि आप बजाते रहो गेट जो है उसका कोई खोलने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी तक वर्थ लगी कार आपको 20 लाख रुपए में है? अरे भाई साहब एकदम कोई परेशानी नहीं, मतलब बिल्कुल, दोबारा भी मुझे कोई बोले तो यही लूंगा मैं, वो नेक्सॉन में सोच रहा था, थोड़ा पैसे भी बच जाते और काम भी हो जाता, मेरा वैसा आइडिया था। पर अब ठीक है, घर पे जो मतलब सबको पसंद है वही। चलो बढ़िया करतार भाई, बहुत बहुत धन्यवाद अपने पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए टाटा हैरियर के साथ। तो ये थी भाई टाटा हैरियर, एग्जैक्ट सही गाड़ी है, इनको तो एकदम परफेक्ट लगी है, कोई नेगेटिव एक आध इसको छोटा मोटा बूट वगैरह को लेके इनको लगा है, बाकी तो मस्त है, 20 लाख रुपए में इनको वर्थ लगी। वीडियो देखने का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।